वैसे तो कहें तो सुधांशु शेखर जी रालोसपा के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल के वक्त में बागी नजर आ रहे हैं। हमारे से हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए भाजपा विधानमंडल के बैठक में आप पहुंचे हैं। सुधांशु जी, फिलहाल के वक्त में जो देखा जाए तो पार्टी से बागी नजर आ रहे हैं। हम पार्टी से कहीं दूर नहीं हैं। पहले भी हम NDA की बैठक में उपस्थित होते थे और आज भी यहाँ उपस्थित हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम पार्टी से अलग चल रहे हैं? लेकिन लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी के मीटिंग में आप शामिल नहीं हो रहे हैं, ललन जी भी शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या माना जाए इसको? हम उपेंद्र जी के बैठक में, सभी बैठक में हम शामिल हैं, किसी कारणवश हम नहीं वहाँ उपस्थित हो पाए। क्या कारण हो सकता है इसका? हम क्षेत्र से कुछ समस्या को लेकर वहाँ झेल रहे थे, इसी कारण से हम वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक हो रही है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं, आप रालोसपा के सदस्य हैं। तो रालोसपा अभी NDA में है ना, तो ये बुलाएंगे तो हम आएंगे ना, तो हम आए हैं बैठक में। तो पहले तो आपके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उसके बाद सुशील मोदी जी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो है ही, राष्ट्रीय नेता है, वो जो बोल रहे हैं उस पर हमको कोई टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ का जो NDA के साथ जो मिलके जो बैठक होती है, उसमें तो मेरा नेतृत्व करना उचित माना जाएगा, तो हम आए हैं इस बैठक में, आज उपस्थित है इस बैठक में हम। लगातार अमित शाह जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के हैं, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन आप यहाँ आज विधान जो मंडल की बैठक BJP की हो रही है, उसमें खासतौर पर शामिल हो रहे हैं, कैसे, क्या फ़ोन पर गया था आपका? ये अमित शाह से मिलना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो राष्ट्रीय नेता है उनका काम है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इस बार आपका क्या इरादा है, भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? ये बाद की बात है, ये सोचा जाएगा बाद में। तो पार्टी अगर टिकट देती है तो इरादा है आपका? अभी इस पर कोई टिप्पणी करना ही नहीं है, अभी विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल बचा हुआ है, अब क्या होगा बीच में, उसकी जिम्मेवारी हम अभी क्यों ले, देखा जाएगा जब होगा। सुधांशु जी, कभी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने खास तौर पे जाते हैं, कभी BJP के विधायक दल के बैठक में शामिल होते हैं, इसे क्या माना जाए, क्या कहेंगे आप? बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी के पास सभी लोग जाते हैं, एक विधायक होने के नाते और अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर हमने वहाँ गया और अपनी समस्या बताया, और कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन खबरें ये आ रही है कि आप मंत्री बनने वाले हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से, क्या सही? ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है कि हम मंत्री बनने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा, भविष्य का बात हम अभी क्यों बोल दें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आपके नेता हैं? रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हम भी अभी रालोसपा के विधायक है, नहीं कि JDU के विधायक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुधांशु शेखर जी थे, साफ तौर पर कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन इरादा कहीं ना कहीं ज़रूर इनके बातों में नज़र आ रही है। अब आने वाले वक्त में ही तय कर पाएंगे कि आखिर ये फैसला क्या लेते हैं, ये BJP में जाएंगे या JDU में जाएंगे, कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन मंत्री बनने की चाहत सबको होती है, शायद नीतीश कुमार इन्हें मौका दिए होंगे या सोचा होगा, खैर ये जाने, सुशील मोदी भी ये बात साफ तौर पर जान सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ आफ्ताब आलम, AB News, पटना।